hello everyone welcome back to our channel next generation study so today we will do a very important case of family law or we can say um, hindu marriage act 1955 and this is very important case not just because of its judgment but also because it's a very interesting kind of case like we can't you know some cases helps us in like judging what could be the judgement or maybe in whose favour the judgement goes but this case is very interesting so let's find out what are the facts judgment and what are the facts laid out in this case so what is the case first the case is surajmani stella kujur versus durga charan Hansta now the citation for this case is all india report 2001 Supreme Court 938, or also you can find out it in Supreme Court Cases, the 2001 edition, in the third book on page number 13. But before going deep into this case, please like and if you really like the video, please also share it with your friends.

कि हम हिंदू किस किस को कह सकते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कौन कौन आते हैं यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के अंदर अंडर में कौन कौन आएंगे लाइक वी हैव मेनी रिलीजन्स सो उस बेसिस पे देन कम्स व्हाट इज बायमी वी विल नो व्हाट इज़ बाय गैमी एक्चुअली मे भी सब जानते ही होंगे बायमी क्या होती है बट वी विल जस्ट यू नो जस्ट बेसिक वी विल लर्न देन कम्स

With the importance of the customs, that how customs are important, how the principles were laid, as per according to the customs, यानी कि customs से कैसे कुछ प्रिंसिपल्स आए हिंदू लो में या फिर कैसे कुछ केसिस में कस्टम्स से डील किया गया एंड इस केस के अंदर कस्टम्स बहुत मैटर करते हैं देन कम्स दिल नो अबाउट द अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट ना दिस इज वेरी लेट आई गेस बट केस को जानने से पहले हमको केस के कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए वी ऑल नो कि सूरज मनी स्टलकजूर वॉज गर्ल उसने केस किया था एंड दुर्गा चरण हंस था जो थे वो डिफेंडेंट थे यानी ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ सो हम दोनों को हमको इनके नाम पता है बट इन दोनों के बारे में हम इसी केस के अंदर इन्हीं फैक्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे Then comes we'll know a bit about Hindu Maharaj Act and the sections used in Hindu Maharaj Act. Though in this case there are certain articles which are used, but I have already told you about the articles and sections. I'll provide the link in the description box. Then we will get on to the judgment that what were the judgments by the judges of this case by the Supreme Court. So that we can know, and then the conclusion. Conclusion is what I think that should have happened, but probably it didn't happen. We'll know, we'll get it on to it. So, let's start the video. So, as we all know, we have many religions in our India. The first religion which we see is Hinduism. then comes the Jainism, then Buddhism, Sikhism, Islam and Christianity. India के अंदर ऐसे कई सारे religions हैं जो कि जितनी भी हमारी population है उनमें से कुछ ना कुछ लोग कुछ कुछ follow करते हैं। तो now since we are talking about Hindu Marriage Act, तो Hindu Marriage Act के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? हम ये discuss करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन कौन आते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हिंदूज़ कौन होते हैं एक्चुअली नो सेंस अगर ये हिंदू मैरिज एक्ट है तो वो ऑब्वियसली हिंदूज़ पे ही लगेगा ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी रहा चलता इंसान उस पे लग जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज़ पे लगता है सबसे इट्स लाइक बेसिकस्ट थिंग कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट है तो हिंदूज़ पे ही लगेगा ऑब्वियसली बात है ये तो Now, Hindus कौन कौन होते हैं so, हिंदू के वेरी वाइड टर्म हिंदुजम इज नॉट अ रिलीजन इट्स अ धर्म सो हिंदूज के अंडर में क्या क्या रिलिजन आ जाते हैं और हिंदूज़ के अंडर में कौन आता है कौन नहीं आता है कुछ प्रोविजंस ले डाउन हुए थे इस केस के अंदर डिटेल में कुछ नहीं दे रखा लेकिन थोड़ा बहुत डिफाइन ज़रूर कर रखा है सो वील सी टू इट सो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ दी केस लॉ पूरे केस के अंदर शुरुआत के अंदर यही लिखा गया था कि इफ़ दिस इज़ हिंदू मैरिज एक्ट सो फर्स्ट लेट इज बिगिन विद दिंदू टर्म कि हिंदूज होते कौन है सो so, दिस इज़ इट्स सेल्फ अ क्वेश्चन ऑफ़ लॉ टू बी डिटमाइंड यानी कि लॉ के लिए भी ये एक क्वेश्चन है जो कि उनको डिटमाइन करना चाहिए यानी कि उनको समझाना चाहिए या फिर उनको ढूँढना चाहिए कि हिंदूज होते कौन है सो so, जो इस एक्ट की एप्लीकेबलिटी है वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव है ठीक है सो so, ये एक्ट जो है वो हर उस बंदे पर लगेगा जो कि इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल्ड है यानी कि इंडियन टेरिटरी में रहता है या काफ़ी टाइम से रहते आ रहे हैं उसके पुरखों से चली आ रही प्रथा जो होता है ना ऐसा सा कुछ कि इंडियन यहाँ पे रह ही रहे हैं या फिर वो इंडियन सिटीजन है और उस इंडियन सिटीज़न के अकॉर्डिंग भाई उस पर वो हिंदू महाराज एक्ट लगना चाहिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये एक्ट बहुत कॉम्प्रहेंसिव है दूसरी बात ये हुई कि ये एक्ट उन जनों पे लगेगा जो इंडियन टेरिटरी में उनका डोमिसाइल है यानी कि उनका वो बना हुआ होता है ना कि प्रमाण पत्र कि तुम यही रहते हो तुम्हारा मेन एरिया यही है तुमको यहीं रहना है तो ये सारा एक पार्ट में आ गया कि द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नाउ वी ऑल नो कि इंडियन टेरिटरी में तो मुस्लिम्स भी आते हैं सो so, फिर मुस्लिम्स पे हिंदू मैरिज एक्ट कैसे अप्लाई होगा भाई जी नहीं मुस्लिम्स पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता ही नहीं है मुस्लिम्स का ख़ुद का मुस्लिम का मैरिज एक्ट है दे हैव देयर ओन मैरिज एक्ट ठीक है सी मैरिज इज़ अ वेरी लाइक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सो so, इसलिए इस पर भी लॉज बनने बहुत ज़रूरी थे बिकॉज़ शुरुआत में ये होता था मैरिज के कोई लॉज नहीं थे लेकिन एज सून एज वी हैव सम क्राइम्स इन अन इन मैरिज लाइक वी ऑल नो कि पहले साइबर क्राइम इतना नहीं होता था लेकिन सिंस टू थाउजेंड टेन और टू थाउजेंड फाइव साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया तो अब उस क्राइम को कम करने के लिए उस क्राइम की रेट को कम करने के लिए लॉज बने वैसे ही मैरिज के अंदर पहले क्राइम्स नहीं होते थे मतलब पीपल यूज़ टू मैरी मतलब फॉर द सेक ऑफ मैरिज ओनली दे यूज़ टू मैरी लेकिन अब मैरिज के अंदर काफ़ी क्राइम्स बढ़ गए लाइक पीपल डू किल देय पाउसेज फॉर मनी और पीपल डू मैरी दिस पाउ मैरी दी अदर वन फॉर यू नो फॉर मनी और फॉर सम अदर पर्पज मे बी और दे गेट मैरी टू आइस राइस फ्राइज लाइक बहुत बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ गए थे मैरिज के, तो so, like, के अंदर तो इसलिए मैरिज एक्ट अप्लाई हुआ सो वी हैव मैनी मैरिज एक्ट लाइक इस्लाम के अंदर इस्लाम के अकॉर्डिंग यानी मुस्लिम का भी मैरिज एक्ट है हिंदूज़ के लिए हिंदू का मैरिज एक्ट है तो अब हिंदूज डिस्कस कर रहे हैं तो हिंदू के अंदर कौन कौन आते हैं वी नो हु आर नॉट मुस्लिम्स जो मुस्लिम नहीं होते वो हिंदूज़ के अंदर आते हैं जो क्रिश्चियन नहीं होते वो भी हिंदू के अंदर आते हैं पारसीज और ज्यूज़ दोज पीपल हु आर नॉट मुस्लिम क्रिश्चन पारसीज और ज्यूज मुस्लिम नहीं हैं क्रिश्चन नहीं है पारसीज नहीं हैं है, और जीव नहीं हैं वो लोग सब हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में आते हैं मतलब उन पर वो हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा तो नेक्स्ट इज द टर्म हिंदू हैज़ नॉट बीन डिफाइंड जो हिंदू टर्म है लाइक हम लोगों को सबको पता है कि हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे या जितने भी एक्ट पढ़ते हैं उनके अंदर उनके जो टर्म्स यूज़ हुई हैं स्पेशल टर्म्स यूज़ हुई है उनकी डेफिनेशन क्लॉथ होती है जैसे आई पी सी के अंदर इट्स सेल देर आर बिग 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 से डिफाइनिंग दी टर्म्स विच व यूज इन आई पी सी एंड विच वी यूज इन दी अदर सेक्शन द प्रोविजन्स ऑफ द आई पी सी सो वी ऑल नो दैट हर चीज़ का डेफिनेशन होता है लेकिन हिंदू मारे जाट जो कि हिंदूज पर ही अप्लाई होता है उसकी डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पर भी कहीं भी नहीं है लाइक like, कभी कभी ये भी होता है कि कुछ केसेस डिफाइन कर देते हैं लेकिन यहाँ पर तो किसी केसेज में भी डेफिनेशन नहीं है हिंदू की सो so, इस केस में हम प्रैक्ट हम ट्राई करेंगे कि हम हिंदूज़ के डिस्टिंगशंस बता दें कि भाई हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है ताकि हमको पता चल जाए कि हिंदूज कौन है दैट इज वेरी कन्फ्यूजिंग आई नो सो इन नाइनटीन जीरो थ्री द प्रिवी काउंसिल सो वर प्रिवी काउंसिल्स वेन द ब्रिटिशर्स देर देवर इन सुप्रीम कोर्ट्स द प्रवी काउंसिल वॉज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आर कंट्री देर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट बट इट वॉज इन सिचुएटेड इन डेली इट वॉज इन खालकटा सो सुप्रीम कोर्ट वॉज इन कैलकाटा एंड द एपेक्स कोर्ट फॉर इंडियंस फॉर दोज कंट्रीज जो जिनको ब्रिटिश रूल कर रहा है उनका जो एपेक्स कोर्ट होता था वो प्रिवी काउंसिल होता था हमारे लिए प्रिवी काउंसिल था एंड प्रिवी काउंसिल वॉज इन ब्रिटेन सो प्रिवी काउंसिल ने एक केस में ये हेल्प किया भगवान कोयर वर्सेज जे सी बोस इंडियन लॉ रिपोर्ट नाइनटीन जीरो टू थर्टी वन कैलकाटा ऑन पेज नंबर इलेवन एंड फिफ्टीन दैट वी ड वी डू नॉट अटेम्प्टियर टू ले डाउन अ जनरल डेफिनेशन ऑफ वॉट इज मैंट बाई द टर्म हिंदू हमने इस केस के अंदर कोई मतलब कोई मेहनत नहीं करी है कि हम हिंदूज़ के बारे में एक जनरल डेफिनेशन निकालें लेकिन इसके अंदर आगे कुछ डिस्टिंगशंस बताए गए थे कि कौन हिंदूज़ होते हैं और कौन हिंदूज नहीं होते हैं सो वी हैव यूज दैट केस इन दिस केस so now what were held in that case that to make it accurate and at the same time sufficiently comprehensive as well as distinctive is extremely difficult जो हिंदू टर्म है उसकी डेफिनेशन देना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है ठीक है कि भाई उसको एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देना और उसके डिस्टिंगशंस रिमार्क करना ये बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ये बहुत हार्ड है मतलब बहुत ईजी नहीं है कि एकदम एक्यूरेटली एकदम प्रिसाइसली ढंग से सब कुछ अच्छे से बता दिया जाए कि हिंदू ये होगा हिंदू ये नहीं होगा और कौन कौन इस हिंदू के इस हिंदू एक्ट के हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में आएगा सो द हिंदू रिलीजन इज़ मार्वलसली कैथलिक

those who doesn't have any religion like though, who doesn't believe in any religion and who doesn't belong to any religion they are also the part of hindu religion we we have given गिवन ईच एंड एवरी वन मतलब कोई भी part हो सकता है हमारे हिंदू रिलिजन का so हिंदू रिलीजन एक बहुत ही कैथोलिक और एक बहुत ही इलास्टिक रिलीजन है इलास्टिक यानी इलास्टिक बहुत स्ट्रेचेबल होता है ना जितना स्ट्रेच कर सकते हो उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक उतना वो स्ट्रेच होता जाता है वैसे ही हिंदू रिलीजन भी है वो कितना भी स्ट्रेच हो सकता है उसकी डेफिनेशन को आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो कैसे भी स्ट्रेच कर सकते हो कितना थोड़ा ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड वैसे ही हिंदू रिलीजन होता है इट्स नाउ इट्स थियोलॉजी इज़ मार्क्ड बाय एक्लेक्टिसिज्म एंड टॉलरेंस एंड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ प्राइवेट वर्शिप हमारा जो हिंदू रिलीजन है ना इट गिवस फ्रीडम टू ईच एंड एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू ही बिलोंगिंग टू दिस रिलीजन ठीक है इसकी टॉलरेंस पार बहुत ज़्यादा है इसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत वाइड हैं बहुत ब्रॉड हैं यानी कि एक्लेक्ट्रिसिज्म का मतलब यही होता है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो बहुत वाइड है, है। हैं बहुत ब्रॉड सोर्सेज रखा है बहुत जगहों से लिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ठीक है और इसका टॉलरेंस पार बहुत ज़्यादा है लाइक हर किसी का टॉलरेंस पार ज़्यादा नहीं होता है लेकिन हमारे हिंदू रिलीजन का टॉलरेंस पावर भी बहुत ज़्यादा है सो इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ प्राइवेट वर्शिप लाइक इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट वी कैन से यू नो ऑलमोस्ट लाइक प्राइवेट वर्शिप के लिए भी बहुत फ्रीडम दे रखी है अपनी इच्छा से वर्शिप करो इट्स सोशल कोड इज़ मच मोस्ट रिंजेंट बट अमंग्ज इट्स डिफरेंट कास्ट एंड सेक्शन एग्जिबिट्स वाइड वेरा फिर हम आगे पढ़ते हैं इस केस के अंदर आगे और रीड करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हिंदू सोसाइटी है वो इन जनरल ये कुछ प्रिंसिपल्स बताती है कि वी शुड नॉट यूज़ मीट ऑफ द काओ यू नो वी शुड नॉट ईट द मीट ऑफ द काओ फिर भी हम चमार्स की बात करते हैं वो हिंदुजम प्रोफेस करते हैं द चमार्स प्रोफेस द हिंदुजम बट हुईट बीव एंड द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर हाउ एवर लो इन द स्केल इंक्लूडेड विद इन इट्स पेल सी वॉट यू आर डिस्कसिंग यू आर सी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर दो वी आर प्रोवाइडेड ईट एंड एवरी फ्रीडम टू द पर्सन वर्शिपिंग और टू द पर्सन बिलोंगिंग टू दिस रिलिजन फिर भी हम लोगों की इस जनरल हिंदू सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे रूल्स भी हैं लाइक like, हमको काव का मीट यूज़ नहीं करना चाहिए वी शुड नाट यूज़ द मीट ऑफ काओ दिस इज़ लाइक अ धर्म फॉर बिकॉज वी वर्शिप काउस दैन वी से दैट चमार हु प्रोफेस हिंदुज़्म वो काव का मीट दे डू ईट और They, like, I should not use such words. Not, you know, not uh, doing some bias over the religion. Or over the caste or the tribes or anything. You know, schedule caste tribes. I don't mean it at all. But it was all written in the case. So, I'm just briefing you about it. So... द चमार्ज आर लो इन स्केल एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट्स पेल नो दैट मीन्स जो चमार्स हैं वो हमारे हिंदुज़म के अंदर बहुत लो कैडर में आते हैं लेकिन फिर भी उनको हमने हिंदुज़म में रखा है सो so, हिंदुज़म बहुत वास्ट और इलास्टिक है सिर्फ ये बताने के लिए ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं अब ये बोलता है कि भाई नाउ आई एम नॉट एम कन्फ्यूज ठीक है अब भाई सिंपल सी बात है कि इट इज़ रैदर मोर इजी टू डिफाइन हु आर नॉट हिंदूज देन टू डिफाइन हु आर हिंदूज सो प्रैक्टिकली द सेपरेशन ऑफ हिंदूज फ्रॉम नॉन हिंदूज इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सो मच डिफ़िकल्टी ना हिंदूज और नॉन हिंदूज को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो वो ज़्यादा मैटर ऑफ़ डिफिकल्टी नहीं रहता हमारे लिए ना द पीपल नो द डिफरेंस वेल एंड घेन ईजिली अब इन्होंने डिस्टिंगशन मार्क भी नहीं किया इन्होंने सिंपल सा पीपल पर जोड़ दिया कि भाई जो citizens हैं वो जानें कि वो हिंदू हैं कि नहीं हैं कुछ हमारे लॉ के प्रोविजंस हैं ऐसे जिनके अंदर हिंदू के बारे में बता रखा है उनको देखें या तो वो हिंदूज़म प्रोफेस करते हैं तो उस अकॉर्डिंग देखें अगर मैरिज करी और आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग करी तो आप पे हिंदू मैरिज एक्ट लग रहा है अगर आप हिंदूज और आपने फिर भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज नहीं करिए तो आप पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लग रहा है दिस इज़ वेरी सिम्पल मैंने सिर्फ इतना बोला कि इंसानों को डिफरेंस पता है कि हिंदूज़ कौन है और नॉन हिंदूज़ कौन है अब वो इजिली बता भी सकते हैं तो दैट्स इट दैट इज ऑल अबाउट हु इज़ हिंदू हाँ नाउ कम्स बायमी सो बायमी क्या होती है यार लाइक सी द पिक्चर्स ओके वी हैव सम पिक्चर्स हियर See this picture. See this picture as well. This two, this two, and then see this, and then see this. Now, the picture doesn't show bigamy actually. These pictures show a marriage, which is more than one time. Okay, see. The first picture, this guy has married three girls. अब हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो बायमी है वो इलीगल है यानी कि अ पर्सन कमिंग अंडर द पर व्यू ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन नॉट मैरी ट्वाइस नो एक्चुअली ही कैन मैरी ट्वाइस बट देर आर सर्टन लिमिटेशंस टू हिज मैरिज ओके हाँ तो सपोज अ पर्सन मैरिड गर्ल सॉरी अ गाय मैरिड गर्ल एंड दे व लिविंग हैप्पीली दिस इज सिंपल मैरिज ओके हिंदूज थे दोनों शादी कर ली हिंदू मैरिज आज के परव्यू के अंदर आते हैं रजिस्ट्रेशन करा लिया नौ दे आर मैरिड कपल्स एंड दिन सपोज या तो लड़की ने या लड़के ने एक और शादी कर ली ठीक है ऑलरेडी उसकी वाइफ या हस्बैंड प्रेजेंट थे मतलब जिंदा थे कहीं भागे नहीं थे कहीं गायब नहीं हुए थे डिवोर्स नहीं दिया था वो जिंदा थे फिर भी उन्होंने एक सेकेंड मैरिज कर ली सो so, अब अब क्या होगा अब इस सेकेंड मैरिज को बायमी का नाम देते हैं हम लोग कि जो स्पाउस है उसने अपने पहले लिविंग स्पाउस स्पाउस के ज़िंदा रहते हुए भी एक और शादी कर ली एंड नाउ दिस इज़ क्लेम्ड टू बी अ बायहमी और बायगैमी एक ऑफेंस है बायगैमी इज़ नॉट लीगल एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट अब बायगैमी के कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा कुछ कंपनसेशन लगेगा कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जिसने भी बायगैमी करी है अगर बायगैमी प्रूव होती है तो बायगैमी प्रूव होनी चाहिए भैया अगर बायगैमी प्रूव नहीं हुई तो फिर तो कहाँ से बायगैमी मानेंगे हम लोग अब ये जो केस है सूरज मनी स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा का ये केस बेसिकली बायोगैमी के अराउंड ही रिवॉल्व होता है तो बायोगैमी के अंडर में काफ़ी सारे आपके प्रोविजंस आ जाते हैं आईपीसी के एक्ट आईपीसी के सेक्शन फोर नाइन्टी फोर के अकॉर्डिंग आपको कुछ टाइम की जेल भी हो सकती है अगर आप गेमिंग कमिट करते हैं तो और कुछ पनिशमेंट के तौर पर कुछ कंपनसेशन भी देना पड़ता है ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखी है और मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी सो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो एज वेल सो दैट्स ऑल फॉर नाउ आई एल एड more of the details in the next video but before going if you like that video please press the black thumb blue and if you want to see more of our content please go to our channel and see to it we would be highly obliged then if you want more of the content please do tell us in the comment box so we can make more of the likeliest comment which you all will like यानी कि जो आपको चाहिए आप बताइए हम देखेंगे कि हम कितना बना सकते हैं उस पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल नेक्स्ट जनरेशन स्टडी